नेक्स्ट इज ट्वेल्व पॉइंट टू एक्सरसाइज एन सी आर टी एग्जाम्पलर ट्रू और फॉल्स हैं सारे रीजनिंग के साथ देने हैं सैम्पल क्वेश्चन वन इफ अ सॉलिड कोन ऑफ बेस रेडियस आर एंड हाइट एच इज प्लेस्ड ओवर अ सॉलिड सिलेंडर हैविंग द बेस रेडियस एंड हाइट एज दैट ऑफ कोन देन द कर्फ सरफेस एरिया ऑफ द शेप इज दिस ठीक है बीच में प्लस के नी साइंस हैं ये इसमें से हट गए हैं ओके ये है आपका पाई आर एच स्क्वायर प्लस प्लस टू पाई आर एच देखो एक और क्या बोल रहा है कि आपके पास क्या है आपके पास एक सॉलिड कोन है वो किसके ऊपर रखा है सिलेंडर के ऊपर रेडियस और हाइट जो है वो सेम है तो अगर ये h है तो ये सिलेंडर की हाइट भी h है तो टू एच होगी पूरी हाइट बेसिकली आर इसका रेडियस है तो इसमें जो कर्व सर्फेस एरिया इस पूरी शेप का क्या होगा अब कर्व सर्फेस एरिया कौन का होने वाला पाई आर एल और इसका टू पाई आर एच होगा सिलेंडर का दोनों को ऐड कर देते हैं अब एल क्या होता है एल इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो ये देखो ये पाई आर एल है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट प्लस टू पाई आर एच तो बिल्कुल सही है आंसर इज ट्रू बिल्कुल ट्रू है ये सैम्पल क्वेश्चन टू देखिए स्फेरिकल स्टील बॉल इज मेल्टेड टू मेक एट न्यू आइडेंटिकल बॉल्स तो एक बॉल से हमने कितनी बनाई है एट न्यू आइडेंटिकल बॉल्स तो वॉल्यूम सेम रहेगा कन्वर्जन में द रेडियस देन द रेडियस ऑफ ईच न्यू बॉल इज वन एट्थ द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल बॉल तो ओरिजिनल बॉल का रेडियस अगर आ है कैपिटल आ है और नई बॉल का रेडियस स्मॉल r है तो वॉल्यूम सेम रहेगा तो फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब इज इक्वल टू एट इन एक छोटी बॉल का वॉल्यूम ठीक है जी ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो एट को इधर लाना पड़ेगा क्योंकि नई बॉल का वॉल रेडियस निकालना है मुझे तो ये हो जाएगा वन बाई एट आर क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब यानी कि वन बाई टू आर इज इक्वल टू स्मॉल आर जो स्मॉल आर है वो बड़ी आर का हाफ होगा वन बाई एट्थ नहीं होगा हाफ होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा और रीज़न क्या है कि इट विल बी आर बाय टू जो नया रेडियस है वो पुराने ओरिजिनल रेडियस का आर बाय टू होगा सिंपल क्वेश्चन थ्री टू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड ए आर जॉइंट एंड टू एंड तो दो क्यूब्स हैं हमारे पास उनको एंड टू एंड अगर ज्वाइन कर दूंगा तो इसके आगे दूसरा शुरू हो जाएगा ठीक है ए इसकी एज है, देन द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग बॉयड अब रिजल्टिंग क्यू का टोटल सर्फेस एरिया क्या होगा ये तो टू ए होगी क्योंकि ए ये है ए ये है ऐसे ये ब्रेड है और ए हाइट है तो टोटल सर्फेस एरिया कितना हो जाएगा टू लेंथ इन टू ब्रेथ टू ए स्क्वायर प्लस ब्रेथ इन टू हाइट ए स्क्वायर प्लस लेंथ इन टू हाइट टू ए स्क्वायर

जहाँ पे ये बेस जुड़ जाएंगे ना तो टोटल सरफेस एरिया लट्टू में ये हट जाएगा तो सी एस से हमें हेमिसफेयर का चाहिए और सी एस से ही हमें कौन का चाहिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया लट्टू का बन जाएगा ठीक है जी तो ये फॉल्स हो जाएगा टी एस से नहीं चाहिए दोनों का सी एस से चाहिए हमें नेक्स्ट इज सैम्पल क्वेश्चन फाइव एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ अ वेसल एज शोन इन फिगर 12.6 पॉइंट सिक्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिसफेयर तो एक्चुअल कैपेसिटी जो है इस वेसल की वो क्या है डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिसफेयर तो आप इस सिलेंडर में से हेमिसफेयर का माइनस कर दोगे इसका वॉल्यूम so तो बिल्कुल ठीक है एक्चुअल कैपेसिटी तो यही आएगी यही बचेगी ना एक्चुअल कैपेसिटी तो दिस इज़ वेरी मच ट्रू नेक्स्ट इज एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू राइट टू वन फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर ठीक है जी फर्स्ट टू आइडेंटिकल सॉलिड हेमिसफेयर ऑफ इक्वल बेस रेडियस आर सेंटीमीटर आर स्टक टूगेदर अलोंग देअर बेसिस तो दो आइडेंटिकल मतलब जिनका रेडियस एक जैसा है तो एक मैंने हेमिसफेयर ये लिया और एक ऊपर बेसिस के से स्टक कर दिया उसे ठीक है तो यह मैं वो वोकेबलरी बहुत क्लियर होनी चाहिए कि बेसिस से स्टक कर दिया ठीक है बेस जोड़ दिए यहाँ पे हमने द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन इज अभी हमने देखा था क्या होने वाला है आपका ये रेडियस अगर आ रहा है तो इसका सी एस ए टू बाई आर स्क्वायर और नीचे वाले का सी एस से टू बाई आर स्क्वायर दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा टी एस से बन जाएगा आपका लेकिन उसने क्या बोला है टोटल सर्फेस एरिया सिक्स पाई आर स्क्वायर है तो ये क्या हो गया फॉल्स क्योंकि सही टी एस से जो है वो फोर पाई आर स्क्वायर है नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन और सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच इज प्लेस्ड ओवर द अदर सिलेंडर ऑफ सेम हाइट एंड रेडियस तो दो सिलेंडर एक के ऊपर एक रख दिया हमने मैं एक ही बार बना रहा हूँ लेकिन हैं ये दो सिलेंडर है ठीक है यहाँ ब्रेक कर रहा हूँ मैं तो इसकी हाइट अगर एच है तो इसकी हाइट भी एच है आर दोनों की सेम है द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द शेप सो फॉम डिस दिस टोटल सर्फेस एरिया कितना हो जाएगा अब टोटल सर्फेस एरिया आप अगर देखेंगे तो यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करते हैं पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर एच इस सिलेंडर का टू पाई आर एच और यहाँ पे पाई आर स्क्वा सबको ऐड कर दो तो टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर एच कितना हो गया आपका फोर पाईआर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज टू पाई आर तो यह तो फोर पाई आर स्क्वायर दिया फॉल्स हो गया ये भी ट्रू इज दिस नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री अ सॉलिड कोन ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच इज प्लेस्ड ओवर अ सॉलिड सिलेंडर हैविंग सेम बेस रेडियस एंड हाइट एज दैट ऑफ कोन ठीक है आपके पास एक कोन है और नीचे उसके क्या है सिलेंडर है सॉलिड सिलेंडर अब इसमें क्या है कि सेम बेस का जो रेडियस है और हाइट है वही आपके सिलेंडर की भी रेडियस और हाइट है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंबाइंड सॉलिड अब टोटल सरफेस एरिया क्या होने वाला है इसका पाई आर एल इसका टू पाई आर एच कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब इसका और नीचे का एक क्योंकि सॉलिड है तो पाई आर स्क्वायर तीनों को ऐड कर देते हैं तो पाई आर एल प्लस टू पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर तो हमें बताना है कि ये ये है कि नहीं है ठीक तो है तो पाई आर कॉमन लिया और एल की जगह ये लिया है एल तो की जगह आप क्या ले सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पाइथागोरस अंडर द रूट प्लस टू पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर तो पाई आर कॉमन ले लो तो so इधर तो यही बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस यहाँ बच गया टू एच और यहाँ बच गया एक आर तो बाकी सब ठीक है थ्री आर जो है ये गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे खाली आर है तो so ये भी क्या हो गया इट इज़ ऑल्सो फॉल्स जस्टिफाई में ट्रू इज दिस नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन a solid ball is exactly fitted inside the cubical box of side a ठीक है एक सॉलिड बॉल है वो क्यूब में फिक्स फिट कर दी गई है द वॉल्यूम ऑफ बॉल इज तो बॉल का वॉल्यूम क्या रहेगा तो क्यूबिकल बॉक्स है ये तो अब इसमें मैं क्या फिट करूंगा एक सॉलिड बॉल एग्जैक्टली फिट मतलब कि सारी साइड्स को टच करती हुई ऐसे रहेगी ठीक है तो अब अब साइड कितनी है साइड इज ए तो रेडियस कितना हो जाएगा ए बाई टू ठीक है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बॉल इज़ फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब होता है तो ए बाय टू का क्यूब हो जाएगा तो ये तो ए का क्यूब है फॉल्स हो गया ये भी ट्रो इज ए बाय टू का क्यूब क्वेश्चन नंबर सिक्स द कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल vessel विद अ हेमिसफेरिकल portion रेस्ड अपवर्ड एट द बॉटम as शोन इन फिगर दिस इज यहाँ पे कुछ वो है एक पाई मिसिंग है यहाँ पे और यहाँ पे ये ब्रैकेट्स में है थ्री एच माइनस टू आर ओके तो वो कह रहा है कि जो सिलेंड्रिकल वेसल है विद अ हेमिसफेरिकल पोर्शन रेस्ड अपवर्ड्स एट द बॉटम तो सी इसकी फिगर दी हुई है मैं बना देता हूँ मैं पेस्ट नहीं करी कि ऐसे आपका सिलेंड्रिकल स्वे, स्वे, वेसल है उसके बॉटम पे एक रेज्ड हेमिसफेयर है ठीक है ना जूस वाला क्वेश्चन किया था ना ग्लास वाला इंपॉर्टेंट उसी टाइप से ठीक है अब इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या है कैपेसिटी तो सिर्फ ऊपर ऊपर वाली रहेगी क्योंकि जूस कहाँ आएगा जूस तो सिर्फ यहाँ यहाँ आएगा नीचे वाली तो दिखेगी नहीं है तो ये जो कैपेसिटी होती है ये होती है जो कैपेसिटी एक्चुअल कैपेसिटी जिसे बोलते हैं दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिसफेयर तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका कितना है पाई इसने अब स्टैंडर्ड ही लेके चले कुछ आर ये है और एच ये तो पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस हेमिसफेयर का कितना हो जाएगा टू बाई थ्री पाई आर क्यूब तो इसने देखो जो कॉमन लिया मैं वही ले रहा हूँ पाई आर स्क्वायर बाय थ्री कॉमन ले लिया अब यहाँ तो थ्री है नहीं तो थ्री बाय थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो कॉमन लेने के लिए तो थ्री एच बच जाएगा ये माइनस इधर से पाई आर स्क्वायर बाय थ्री ले लिया तो टू आर बच गया तो ये बिल्कुल ठीक है दी दिस इज़ वेरी मच ट्रू बिल्कुल सेम हमारा आ गया तो ट्रिक ये थी कि थ्री लेने के बाद यहाँ कॉमन कैसे निकालोगे ये थोड़ा सा ध्यान से